लोगों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। दूषित पानी छोड़ने वाली फैक्ट्रियां हो सील, हाईकोर्ट के आदेशों की करवाई जाएगी पालना, कहा सिविल सर्जन ने। शिवसेना बाल ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने आज अमृतसर सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी सेहत विभाग उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने में असफल है जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर पानी दूषित कर रही है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सेहत विभाग उन फैक्ट्रियों पर निजी स्वार्थ के कारण कार्रवाई नहीं कर रहा। दूसरी ओर सिविल सर्जन ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करवाई जाएगी और जो फैक्ट्रियां सरकारी मापदंड के बिना चल रही हैं उन्हें एक हफ्ते में सील किया जाएगा। बिल्कुल जी, मैं शिवसेना का युवा सेना अध्यक्ष होने नाते मेरी पूरी जिला इकाई मेरे पंजाब संगठन मे पंकज साहब वरुण कपूर जी और मेरे पूरे शिवसैनिक लगभग 3 महीने सा रोष है। ये सिविल सर्जन है जो सेहत विभाग डिपार्टमेंट है, ये हाईकोर्ट के ऊपर हो गया। हाईकोर्ट की देश की अवेलना करता पाया, इन्हों हाईकोर्ट के आर्डर की कोई भी चिंता नहीं की। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए ही कि मैं पटिशनर हाँ, मैं PL आई सी, जिन्या भी बिस सर्टिफाइड जिड़े फैक्ट्रियां होंगे पानी दियाँ, जिन्होंने को लाइसेंस मिलता, फिर FSSAI का लाइसेंस दिता जाता, उनके तो बगैर गैर कानूनी फैक्ट्रियां चल रही ने। लेकिन DHO ने साढ़े जो अभी 4th महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दबाव जाके इन्हें 5-7 फैक्ट्रियां बंद कर दी। उस तो बाद इन्हें 2 महीने बाद देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें फैक्ट्रियां खोल दी, पता नहीं अंदर कहड़ा स्वार्थ ले लिया उन्हें फैक्ट्रियां खोल दी। उस तो बाद मैं अपनी टीम को भेजा निरीक्षण करने वास्ते, उन्होंने निरीक्षण 12 फैक्ट्रियां होर देखिया, मैं रिपोर्ट बना के भेजी, उन्होंने डायरी नंबर लाने तैयार नहीं सी। सिविल सर्जन के कहने डायरी नंबर लग्या, सिविल सर्जन ने सू बुलाया, DHO को भरोसा दिया 4-5 दिन फैक्ट्रियां सील हो जाएगी। लेकिन अज उस गल 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जू नहीं सकती भी पता नहीं किहड़ा स्वार्थ ले लिया इस डिपार्टमेंट के अंदर खाते कि वो फैक्ट्रियां जिहड़ियां गैर कानूनी आ, लोगों सेहत जिहड़ियां दूषित पानी उन्होंने पैक करके वो फैक्ट्रियां थानी लोगों का घर घर तक पहुँचा जाता, विआह छदे पीने जिहड़ी कि अही कोरोना वायरस नाल लड़ रहे हैं। जो तो साडे इम्यूनिटी पावर नहीं, कैसे लड़ांगे? ये पानी तो खाण पीने वाली चीज़ों इम्यूनिटी पावर आती है, जो कि अभी गंदा पानी लोगों को पिला रहे हैं वो साड़ी इम्यूनिटी पावर ऑटोमैटिक डाउन हो रही है। लेकिन इस विभाग के उपर जू नहीं सरगरी, ये लगातार लोगों की सेहत खिलवाड़ कर रहा। लेकिन शिवसेना ने इहदा उद्देश्य ले लिया, शिवसेना ने यह प्रण ले लिया कि जिनी देर तक ये सेहत विभाग जो सिविल सर्जन है ये फैक्ट्रियां बंद करन दा भरोसा नहीं दिंदे सानू आ के, जां इस डिपार्टमेंट के DHO समेत जिन्हें भी कार्यकर्ते जिन्ना भी इन्हों के कर्मचारी ने सारे दरखास्त करके नवी टीम अपॉइंट करे, जांच पड़ताल करके फैक्ट्रियां सील ना करन। उन्नी देर तक शिवसेना बैन वाले नहीं, अही हिंदू हरदिया सरवाल बाला साहब ठाकरे के सिपाही हाँ, जिथे लत लाती वो लत कट सकती है, ये हुण पिछे नहीं हट सकती। शिवसेना बिल्कुल नहीं जी, ये जदों भी यही कि लोगों की भलाई का काम करते हैं, ये लगातार सानू रोकया जाता है। ये समाज भलाई का लोगों की भलाई वास्ते शिवसेना वचनबद्ध है और जो जो लोड़ पेगी शिवसेना सड़कों उतरेगी, चाहे वह गर्मी हो चाहे सर्दी हो, शिवसेना परहेज नहीं करेगी। मैं पहला गया अं हिंदू हरदयाल समाज श्री बाला साहब ठाकरे सिपाही हाँ, असी जिते लत लाती उत्थे लत लग गई, इतों दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। फिर शिवसेना का अपना कानून है, जो अभी अपने चलो अपने कानून च आ गए तो फिर सानू कोई रोकने की ताकत नहीं है। ये जिन्नी देर तक साड़िया मंगा नहीं पूरी होनी, साडे वर्कर सारे शिवसेना वाले धुप्प होवे ठंड होवे सर्दी होवे अभी इत्थे ही बैठे हैं, अभी डटे रहेंगे, सानू कोई चिंता नहीं। अभी बाला साहब ठाकरे सिपाही हाँ। मैं रजिंदर सिंह चौंकी जहाज सर्किट हाउस, असी इन्हों की सुरक्षा वास्ते आए हैं। इन्हों दी जो मंगा ने अंदर अं इन्हों स्टाफ नूं दस्सदे हां, अपने सिविल सर्जन साहब नूं दस्सन जो इन्हों का बनता है, वह आ के दस देंगे भी इन्हों का जो फैक्ट्रियां का ज हाईकोर्ट के हुक्म मुताबिक। मैं सुनाह अंदर भेजता जी, जो अंदर अंदर दे देंगे सिविल सर्जन साहब ने जो सुनाह देंगे वो मुताबिक इन्होंने पहुँचा दिता जाऊगा। नहीं अजय आया नहीं, दस देंदे आके अंदर सुना ही भेजा, जो कहूँ तो फिर दस देने तेन हो सकता जो कापी हो। नहीं ये नहीं पता इन्हों लंघना आया कि जो की आर्डर आया ना, मैं वेखी है इन्हों को आर्डर होने जो सिविल सर्जन पहुंचे होने हाईकोर्ट के आर्डर, सिविल सर्जन भी पहुँच जाते वो कंप्लेन करने के जिम्मेवार ने, जो होने आर्डर इन्होंने को नहीं। मैंबर उन्होंने हाईकोर्ट के मानयोग हाईकोर्ट के ऑर्डर आए हैं कि कुछ फैक्ट्रियां जिहड़ियां पानी दियां इलीगल हैगियां ने, मतलब कि सरकार के मापदंडा मुताबक नहीं चल रही, उन्होंने सील किया जाए। एंड ये मुताबक हैगा कि कुछ फैक्ट्रियां सील कर दित्तियां ने, कुछ रहिंदियां ने, तो वो असीं अज ही जिहड़ी हैगी आ DHO जिहड़े हैगे ने इंचार्ज ने उन्होंने डायरेक्शन देवांगे लिखती तौर पर कि जिहड़ियां फैक्ट्रियां रहिंदियां ने उन्होंने हाईकोर्ट के हुक्मां मुताबक जिहड़ी हैगी आ
हफ्ते के अंदर अंदर जी उन्होंने सील किया जाए। जिस तरह कोई गल हैगी पुलिस प्रोटैक्शन की, वो भी लोड़ी पुलिस प्रोटैक्शन उन्होंने दी जाए, उन्होंने भी इनकुआरी करावे। मैं ऑलरेडी सहायक सिविल सर्जन कहता कि वो निजी तौर पर इनकुआरी करेंगे, जाके देख मौका देखेंगे कि कि इनकुआरी जो हाई कोर्ट ने बंद की दोबारा खुली है, तो जो वो खुली है कोई यहोजी नौबत मतलब देख चैक करा, तो जो बनती कार्रवाई है वो की जाएगी। गल्लां जो कर रहे हैं पर उन्होंने मैं असी लिख के भेजने लगे हाँ कि जे दसया जाए कि तुहानू किहड़ा बंदा तंग करता, तुहानू कौन धमकी दे रहा, तां कि असी मानयोग पुलिस कमिश्नर लिख के भेजांगे कि उन्होंने पुलिस प्रोटैक्शन दी जाए तो हाई कोर्ट के हुक्म की पालना हो सके। असी हफ्ते 10 दिन सारियां मगर अज ही असी प्रोसैस शुरू कर देना, जिनी जल्दी हो सकता बंद की जाएगी।